Assalamualaikum, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं जो है ना लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का. उसमें हम कुछ लॉज पढ़ेंगे सेट के हवाले से. तो तीन लॉज इस वीडियो में पढ़ेंगे और चौथा लॉ जो डिमॉर्गन्स लॉ जो बहुत मशहूर है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. तो तीन लॉज कौन कौन से हैं? एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो अगर मैं इसको सेट के हवाले से नहीं वैसे ही मैं देखना चाहूं एसोसिएटिव लॉ क्या है, फिर उसको मैं एक एग्जांपल उसकी करवाऊंगा और बाकी की जो एग्जांपल है वो आपको आपको खुद करनी पड़ेगी. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है. तो अगर मैं एसोसिएटिव लॉ को मैं करना चाहूं नंबर्स के हिसाब से, तो ये एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में आसानी करता है. एडिशन में अब देखें, अगर मैं 2+3 को ब्रैकेट में लिखूं और 7 को बाहर लिखता हूं प्लस में, यानी कि आपका साइन कौन सा प्लस है. आप प्लस करवाते हो, 2+3 इज 5, ब्रैकेट सोल्व, +7, 5+7 इज 12, इसका आंसर भी 7 आ रहा है. अब दूसरी साइड क्या है, अगर मैं इस 2 को बाहर रखता हूं और 3 और 7 को ब्रैकेट में रखता हूं तो तब भी आंसर सेम आएगा. ये लॉ ये कहता है आपकी दोनों साइड जो है ना आंसर सेम आ रहा है. ऐसे करने पे भी आपकी पोजीशन ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज, यहां पर 2+3 पे ब्रैकेट थी, यहां पर 3+7 पे ब्रैकेट आ गई. ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है. तो इसको मैं सेट के हवाले से मैं एग्जांपल देखता हूं इसकी. तो उसकी एग्जांपल ये होगी, मैंने तीन सेट आपको, फॉर एग्जांपल ये तीन सेट है. आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है सेट की वैल्यूज एलिमेंट्स चेंज करके दे सकता है, तो उसमें आपने घबराना नहीं है. लेकिन ये सेट क्या है, पहले सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है, बी सेट में बी डी एलिमेंट है और सी सेट में जो है ना वो ए सी एलिमेंट है, ठीक है. तो तीन सेट आपको दे दिए हैं और वो कह रहे कि एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करो. क्या प्रूफ करो, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करो. या ए यूनियन बी का ए यूनियन बी लो और फिर उसके बाद यूनियन जो सेट आए उसका यूनियन ले लो सी से, और दूसरी साइड भी उसी के साइड बराबर होनी चाहिए. तो मैं पहला यूनियन वाला क्वेश्चन आपको मैं करके दे देता हूं उसकी. ये आपने प्रूफ करना है ए यूनियन बी और यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपने प्रूफ करना है. यानी कि आप किसी मैथ में प्रूफ कैसे करते हैं, मैथ में प्रूफ ऐसे करते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हो और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करते हो और दोनों के आंसर आप देखते हो. अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो आपने कहा कि हेंस प्रूफ, यानी कि दोनों आंसर सेम है तो आप कहते हो कि यह प्रूफ्ड हो चुका है, सही है. तो मैं पहले क्या करता हूं, पहले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का है इक्वल के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को राइट हैंड साइड, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी पे ब्रैकेट है, ये मैं पहले फाइंड करूंगा, ठीक है. तो देखें ए यूनियन बी पहले मुझे फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा हो तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, क्या सीक्वेंस बताता है, ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है. बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. ये आपको सीक्वेंस बता रहे कि आपने कोई भी काम करना है तो इस सीक्वेंस में, मैथ में कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो इस सीक्वेंस में करना है. तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी. ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी मैं पहले निकालता हूं, ए यूनियन बी ये निकाल लेते हैं. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं या फिर इसको ऐसे ही ब्रेक करके रखें. ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे ये पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा. ए यूनियन ए के कंप्लीमेंट कौन से, ए बी सी. यूनियन बी के कंप्लीमेंट कौन से, बी और डी, ये आपने लिख दिया. यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के एक सेट बना देते हैं. ए इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन आपने लिख दिया बी सी और डी. ये आपने दोनों सेट्स को यूनियन, दोनों सेट्स का यूनियन ले लिया. आपके पास ए यूनियन बी का सेट आ चुका है, ठीक है. अब आपके पास ए यूनियन बी का सेट आ चुका है तो आप यूनियन लोगे सी के सेट के साथ. अब आप इक्वेशन नंबर 1 पे जा सकते हो, अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, या फाइंड करना है. तो ए यूनियन बी का सेट मेरे पास आया है, मैंने अभी फाइंड किया, ए बी सी डी. यूनियन सी का सेट मुझे क्या गिवन है, ए और सी, ठीक है. तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी,
जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आएगा ए बी सी डी, क्योंकि जो आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट में बना के लिख दिए। ये आपने सोल्व किए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया ए बी सी डी, और ये आपने मैंने ये लिख दिया है, और मैंने अब जो है ना लॉ का एसोसिएटिव लॉ का राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व करके ये आंसर लाए, राइट हैंड सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर मैच हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। अगर मैच हो रहा है तो हमारा प्रूव हो चुका होगा। तो मैं ये मिटाता हूं। अब इसमें जो है ना आपने राइट हैंड साइड सोल्व करनी, लेट राइट हैंड साइड ऑफ लॉ, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, बोर्ड मास रूल के हिसाब से आपने पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, क्योंकि हमारे पास बी यूनियन सी का सेट नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी का सेट निकालेंगे, बी यूनियन सी पहले निकालेंगे। तो बी का एलिमेंट क्या है, बी और डी, यूनियन यूनियन सी का एलिमेंट क्या है, ए और सी। आपने दोनों सेट्स को क्या कर दिया, अब यूनियन कैसे लेते हैं, दोनों सेट्स को मिला के लिख दें, दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के लिख दें, ए बी सी डी। ये आपने दोनों सेट्स के सेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिला के लिख दिया। ये आपने बी ब्रैकेट सॉल्व किए, फिलहाल बी यूनियन सी आया है। अब आते हैं इस पे, जो हमने राइट हैंड साइड ली थी, ए का सेट हमें गिवन है, यूनियन हमें पता है क्या है, ऑपरेशन है, बी यूनियन सी का सेट भी आ चुका है, तो अब हम ये फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। ए का सेट क्या है, ए बी सी, यूनियन बी यूनियन सी का सेट हमने फाइंड किया है, जो कि ये है ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब यूनियन ले लेते हैं, यूनियन में क्या है कि आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं ए बी सी डी, तो इसका आंसर क्या है, राइट हैंड साइड का भी ए बी सी डी आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था ए यूनियन बी ब्रैकेट में था, यूनियन सी का आंसर आया ए बी सी डी, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया ए बी सी डी। अगर आंसर मैच हो जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि भाई हैंस प्रूव, आपने क्या कौन सा लॉ प्रूव किया है, एसोसिएटिव लॉ प्रूव किया, ठीक है। इसके बाद इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरा जो वो है ऑपरेशन चेंज करके यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो आपको यूनियन वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, अगर आप ए यूनियन बी का सेट फाइंड करते हो, वो बराबर होता है बी यूनियन ई ए के सेट का, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लीकेशन या एडिशन में देखूं, अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो इसका आंसर आता है 8। तो आप दूसरी साइड में क्या है, इस कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, सही है। तो सेट के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां सोल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड क्योंकि इनके सेट जो है ना बहुत छोटे हैं, तो इसलिए हम यहां पर सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ए बी सी डी, ए बी सी, ये ए का सेट हो गया। यूनियन बी का सेट क्या है, बी कोमा डी, इक्वल का साइन है, बी का सेट क्या है मेरे पास, बी कोमा डी, यूनियन ए का सेट क्या है मेरे पास, ए बी सी। तो अगर इन दोनों का कंप्लीमेंट लें तो आंसर क्या आता है, ए बी सी डी, और इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी। यूनियन में क्या करते हैं, सिंपली आप दो सेट्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देते हो, ठीक है। तो आंसर क्या है, सेम आया। तो ये आपने क्या प्रूफ कर दिया है, कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ किया है। आप सेट के एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चंस अगर आपको पेपर्स में एग्जामिनेशन एग्जाम में आ सकते हैं तो आपके सेट के एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल यही आपको अगर कहे कि कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करें तो आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, या वो खुद बता सकते हैं कि आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, वो नेक्स्ट लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ए यूनियन बी, बी बी इंटरसेक्शन सी, आप क्या करते हो, मैं इसको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में देखूं तो अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 ये सेट है, इसका आंसर क्या आएगा, आप बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, 2 प्लस 3 इज 5, 4 5 इज 20, अगर अब मल्टीप्लाई दोनों के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये एक ब्रैकेट बन गई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2 इज 8 प्लस 4 3 इज 12, आंसर 12 और 8 कितने हुए 20, तो आपका पोजीशन चेंज करने से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए बी के साथ भी लगा यूनियन लिया, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये दोनों के सेट्स का अगर आंसर सेम आ रहा है तो आपने प्रूफ कर दिया। अब इसको इसको एग्जांपल, इसकी एग्जांपल करके देखते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी, ठीक है, तो जब वैल्यूज बड़ी हो जाएं तो आप क्या करते हो, अलग अलग साइड्स को सोल्व करते हो, पहले मैं क्या करता हूं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से आप क्या करते हो, क्या सोल्व करते हो, ब्रैकेट सोल्व करते हो, ब्रैकेट क्या है मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी, जो कि मेरे पास उसका सेट नहीं था तो मैंने पहले वो फाइंड किया बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट क्या गिवन है बी कोमा डी, इंटरसेक्शन सी सेट मेरे पास क्या गिवन है ए कोमा सी, तो इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन में ये बताया था कि अगर दोनों सेट्स में कोई वैल्यू सेम या कॉमन एलिमेंट या दोनों सेट्स में वही एलिमेंट पाए जाते हैं वो आंसर है, यानी कि दोनों सेट में कोई सेम एलिमेंट है तो वो आपका आंसर होगा, अगर वेन डायग्राम में क्या देखा था, जो दोनों सेट्स के कॉमन एरिया था वो इंटरसेक्शन कहलाता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है दोनों सेट्स, तो दोनों सेट्स में कोई कॉमन एरिया नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने कह देना कि ये एमपीटी सेट है, बी इंटरसेक्शन सी आपका आया एमपीटी, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी आया आपका एमपीटी, आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व की है, अब आप मल्टीप्लाई आप यूनियन ले सकते हो बी इंटरसेक्शन सी का, सही है, तो इसको थोड़ा ए इंटर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट मेरे पास गिवन है ए कोमा बी कोमा सी यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन सी का मैंने अभी मैंने आंसर फाइंड किया जो कि एमपीटी सेट आया, अब दोनों का मैं यूनियन लेता हूं तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो जो पहले सेट के एलिमेंट है वो आपका आंसर होंगे, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने पर ये आंसर आया है ए बी सी, तो मैं इसका आंसर साइड पे लिख देता हूं ताकि जब हम दूसरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है ए कोमा बी कोमा सी, अब दूसरी साइड सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है लेट राइट हैंड साइड राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, तो ये है राइट हैंड साइड, अब इसको मैं सोल्व करने से पहले देखूं क्या मेरे पास ए यूनियन बी का सेट गिवन है, नहीं है हमारे पास, हमने इसको फाइंड करना पड़ेगा, और ए यूनियन सी का सेट गिवन है तो ये भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेंगे, तो ये हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी पहले फाइंड करते हैं, ए सेट मेरे पास गिवन है ए बी सी ए कोमा बी कोमा सी यूनियन, बी सेट मेरे पास गिवन है बी कोमा डी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप दोनों सेट्स को मिला के लिख देते हो यूनियन में ए बी सी डी, ये आपने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ये एक ब्रैकेट हो गई, ठीक है, तो अब अगली ब्रैकेट क्या है ए यूनियन सी की, तो मैं ए यूनियन सी फाइंड करता हूं, ए सेट मेरे पास है ए कोमा बी कोमा सी और बी सेट है ए कोमा सी, ठीक है, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा आंसर ए कोमा बी कोमा सी,
तो दोनों ब्रैकेट्स मेरे पास सोल्व हो चुकी हैं, आखिरी मेरे पास काम क्या होगा, आखिरी मेरे पास काम ये होगा कि मैं दोनों ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन ले लूंगा, दोनों ब्रैकेट्स का जो आंसर आया उसका मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से, ए यूनियन बी का सेट मेरे पास ये आया है ए बी सी, ए बी सी और डी, और इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से, जो कि आंसर आया मेरे पास ए कोमा बी कोमा सी। तो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लेना है, दोनों सेट्स का आप क्या करते हो इंटरसेक्शन कैसे, सेम एलिमेंट्स का वो इंटरसेक्शन होता है, तो ए कोमा बी कोमा सी, ए और बी सी दोनों सेट्स में कॉमन है तो इसलिए आपने बना के लिख दिया। तो हम देखें कि क्या हमारे आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर से मैच कर रहा है, इसका आंसर आया ए बी सी और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आया था ए बी सी, तो आपने प्रूफ किया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रू है। ठीक है, तो आपको एलिमेंट चेंज करके दिए जा सकते हैं, बाकी लॉज यही है, तीन लॉज हैं, बाकी आने वाली वीडियो में आप डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ोगे, जैसे ये यूनियन है तो इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, यहां पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये जो पहला जो प्रूफ था वो मैंने करवा दिया, और जो ये वाला प्रूफ है जहां पर यूनियन है वहां इंटरसेक्शन आ गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो बाकी पैटर्न सब सेम होगा, इसी तरीके से आपने सोल्व करना है, किसी भी लॉ को आपने सोल्व करना होता है तो आप दोनों साइड सोल्व करके देखते हो कि दोनों साइड का आंसर सेम आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।